हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ गाइस आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, हम आए हैं घूमने इस जंगल में। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी गांव में, तो फिलहाल हम जंगल में आ चुके हैं और यहाँ का भी वो लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ आके हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है भाई साहब, और एकदम बढ़िया वाला फील हो रहा है। अभी हम आपको जंगल में लेके चलते हैं और आगे के साइड देख सकते हो काफ़ी धूप भी है, दिख नहीं रहा, एकदम लाइट की तरह स्क्रीन पे आ रहा है भाई साहब। तो फिलहाल हम जंगल में चलते हैं और आपको हम वहाँ का व्यू और लोकेशन भी भाई साहब दिखाते हैं, कसम से बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो भाई साहब, हम चलते हैं बंदर की तरह। और फाइनली गाइस, हम जा रहे हैं जंगल में, तो फिलहाल हम इसी रास्ते से जाएंगे। देख सकते हो यहाँ का लोकेशन और व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई साहब, एक आगे है छोटा सा पॉन्ड, उसमें अभी पानी बहुत कम है, बट आगे के साइड एक बड़ा सा गड्ढा है, उसमें पानी है, उसमें तो काफ़ी लोग नहाते भी हैं भाई साहब। अब मेरे पीछे देखो, पहले धूप कितना ज़्यादा है भाई साहब, गर्मी भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है गाँव में, इसीलिए मैं गाँव से बाहर आ चुका हूँ। तो गाँव में उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब यहाँ आके कुछ अच्छा सा फील हो रहा है, तो बट मैं आपको आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। तो भाई साहब, जंगल में तो हम हले हैं, तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं भाई साहब, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो भाई साहब, मेरे पीछे का व्यू और लोकेशन भी देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बढ़िया है। तो आगे वो देख सकते हो, वही है एक छोटा सा तालाब, यानी कि पॉन्ड इसे बोलते हैं। तो भाई साहब, मैं उस वाले रास्ते से जाऊंगा, वहां से आपको दिखाऊंगा यहां का लोकेशन। और भाई साहब देखो, मतलब यहां आके एकदम अच्छा सा फील हो रहा है। अगर आप भी यहां पे आओगे तो आपको गर्मी का बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा भाई साहब। तो गाइस, हम यहीं से जा रहे हैं, फाइनली हम इसी रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से होते हुए सीधा रोड पर आएंगे और उसके बाद बाजू वाले रास्ते से होते हुए गाइस हम वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर मतलब एक छोटा सा गड्ढा है, वहीं पर लोग नहाते हैं और वहाँ पर मतलब जानवर है एक, जिसे बोलते हैं गांव में भैंस, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेफेलो शायद बोलते हैं, मेरे को उतना इंग्लिश तो आती नहीं है। तो भाई साहब, हम पहले चलते हैं इधर से, सीधा नीचे उतरेंगे और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे। और गाइस, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब रोड पे, और उस वाले बाजू वाले रास्ते से जाएंगे, फिर हम जंगल पर आ जाएंगे, जंगल के उस साइड में आ जाएंगे जहाँ पर तालाब है। तो भाई साहब, हम नीचे की तरफ आ चुके हैं धीरे धीरे। फाइनली गाइस, हम रोड पे आ चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हो रोड काफ़ी सुनसान है, और आगे की तरफ, मेरे आगे की तरफ देखो, मतलब वहाँ पे ये गांव की तरफ रास्ता जाता है, और ये देखो आगे जो दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, ये सीधा जंगल की तरफ जाता है भाई साहब। तो मैं आपको जंगल की तरफ लेके जाता हूँ पहले, जहाँ छोटा सा तालाब है और उसके बाजू में मतलब जानवर हैं बहुत सारे, तो मैं आपको वहीं पे लेके जाऊंगा और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ भाई साहब। और गाइस, अभी तो हम रोड पे ही हैं, तो थोड़े दूर पे रास्ता है भाई साहब, पीछे देखो कितना अच्छा है, एकदम भाई साहब बोले तो एकदम दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। तो भाई साहब, आगे एक अंकल जी आ रहे हैं, और अभी हम उनसे पूछेंगे, अंकल जी कैसे हो, देखते हैं अंकल जी का जवाब क्या होता है। आ गए हैं अंकल जी। तो भाई, तो मेरे पीछे की तालाब में देख सकते हो अंकल जी, और चाचा कैसे हो। तो भाई साहब, ये बोले तक नहीं, तो मैं अब जा रहा हूँ तालाब के उस पार, और वहाँ जाके आपको मैं सबसे पहले तालाब दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक अलग जगह पे लेके जाऊंगा। तो गाइस, हम चलते हैं अब वहीं पे सीधा उस वाले रास्ते से, मतलब जहाँ से हम नीचे आए थे उसके बाजू में एक रास्ता है भाई साहब, उसी रास्ते से हम जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, थोड़ी दूर पे है रास्ता, वहाँ देख सकते हो जो ये वाला रोड गया है, सॉरी जो मतलब ये गया है, इसी के बाजू में है भाई साहब, तो हम पहुँचने वाले हैं। और गाइस, देख सकते हो मेरे पीछे एक आम का पेड़ है, ये देखो इस पर मतलब काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं। तो भाई साहब, हम चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से जो रास्ता गया है हम आपको लेके जाएंगे। और फाइनली गाइस, हम इस रास्ते से पहुंच गए हैं, मतलब इस रास्ते पे देख सकते हो, यही जो रास्ता है मतलब जंगल के उस पार जाएगा जहाँ पे पॉन्ड है। तो हम चलते हैं सीधा इस रास्ते से होते हुए। भाई साहब, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और धूप भी हल्का हल्का कम हो रही है,
और उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे, देख सकते हो गाइस है। देखो गाइस आ चुके हैं हम आपको लेके यहीं पे, और आगे काफ़ी सारे जानवर हैं, अभी हम उन जानवरों को भी दिखाएंगे आपको। तो पहले आप लोग देखो ये पॉन्ड यानी कि तालाब देख सकते हो कितना बड़ा है, पीछे आपने देखा, और ये जो बाजू में दिख रहा है ये गड्ढा काफ़ी गहरा है, इसी में सब लोग नहाते थे, और बाजू में एक छोटा सा और गड्ढा देखो, छोटा स्विमिंग पूल समझ लो इसे भाई साहब। और वहाँ मेरे पीछे देखो झाड़ में, मतलब उस साइड में देखो वहीं पर जानवर है, तो मैं अभी जानवरों को दिखाऊंगा। और फाइनली गाइस देखो यहीं पे मतलब सारे जानवर पेड़ में बंधे हुए हैं देख सकते हो, बट मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को डर लग रहा है इन जानवरों से, पता नहीं इन जानवरों में कौन कैसा जानवर हो। तो भाई साहब हम चलते हैं घर की तरफ। फाइनली गाइस हम तालाब के पास से हम चले आए हैं सीधा जंगल में, और फिर हम इस रास्ते से होते हुए घर पे जाएंगे, और उसके बाद घर पे जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे भाई साहब। और गाइस देख सकते हो पीछे का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है, और भाई साहब यहीं पे होता है हमारा ब्लॉग समाप्त आ रहा, और सॉरी क्या बोलते हैं, और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। हम इसी रास्ते से जा रहे हैं नीचे रोड पे, और उसके बाद हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट डे कल शाम को 8 बजे। बाय।